तो चलिए पोषण ट्रैकर ऐप की एक महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का स्वागत है। जैसा कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो पिछला अपडेट आया था 15.0, तो उसमें संडे के लिए जो अपडेट आया था, तो आज है संडे और संडे के दिन आपको आज क्या करना है पोषण ट्रैकर ऐप में, कौन सा काम होगा कौन सा काम नहीं होगा, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आज की ये छोटी सी वीडियो आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को पसंद जरूर आएगी। तो आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। जैसा कि पोषण ट्रैकर ऐप को अगर 15.0 अपडेट करके आप लोग ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने इस प्रकार से जो पेज ओपन होकर आता है AWC स्टेटस वाला, वो आप लोगों को आज देखने को नहीं मिला होगा। डेली ट्रैकिंग का पेज ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आज संडे है और नीचे में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिस्ट्रिक्टेड AWC कैन नॉट ओपन ऑन संडे। तो यहाँ पे संडे के दिन पोषण ट्रैकर ऐप में डेली ट्रैकिंग का जो ऑप्शन है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? जैसे कि पोषण ट्रैकर ऐप में संडे के दिन भी कई आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा AWC ओपन होने का जो ऑप्शन है उसको भरा जा रहा था, इसलिए विभाग वाले ने संडे के दिन ये जो ऑप्शन है उसको यहाँ से सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं के पोषण ट्रैकर ऐप से इसको बंद कर दिया है। अब संडे के दिन जब भी आप लोग डेली ट्रैकिंग को ओपन करेंगे तो आप लोगों को ऐसे ही देखने को मिलेगा। बाकी सोमवार से शनिवार तक जब आप पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पे AWC स्टेटस यानी ये जो ऑप्शन है वो आप लोगों को भरने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको वहाँ पे हाँ पे क्लिक करके आप लोग उसको भर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये पेज आप लोगों का संडे को ओपन नहीं होगा। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि संडे के दिन क्या क्या कर सकते हैं। संडे के दिन आप लोग किसी भी बच्चे का या किसी लाभार्थी का आधार वेरीफाई कर सकते हैं, बेनिफिशरी में जाके किसी भी बच्चे का न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं और यहाँ पर होम विजिट में भी आप लोग अगर आपके पोषण ट्रैकर ऐप में होम विजिट का ऑप्शन आता है तो आप लोग होम विजिट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी पोषण ट्रैकर ऐप में आप लोग काम करना है वो कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ डेली ट्रैकिंग का जो काम है वो नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आप लोगों को आज की ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।